खेलने के लिए। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी था, यहाँ पे अगर मैं चूक जाता तो भाई साहब बजा देता वो, लेकिन सीधा हेड शॉट लगा यार और पीछे था, बट मैंने इसको नहीं मारा फिलहाल क्योंकि वो उछल रहा था। तो आप देखो इस वाले घर को कैसे पेलते और पेल के आते उसको फिर शॉटगन से। और ये वाला सीन देख तो भाई, मतलब सब्सक्राइब बनता है भाई, वो काला बटन हो जाना चाहिए बस, मतलब लाल नहीं रहना चाहिए, मुझे लाल रंग से बहुत नफरत है। ये शॉट देख के भाई मतलब जिस वास्ती ग्रोजा, अब देखना अब क्या सीन बनता है यहाँ पे। तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब मैंने सोचा यार गेम प्ले तो हम रोज ही खेलते, क्यों ना आज कुछ चैलेंज किया जाए और कुछ एडवांस सा चैलेंज किया जाए। तो आज मैं करने वाला हूँ यार क्रॉसबो चैलेंज। अब देखो क्रॉसबो एक ऐसा आइटम है पबजी के अंदर जिसको बोले अगर आइटम नहीं, आई मीन गन ऐसी है कि मतलब अगर लेवल 3 हेलमेट पर भी मार देना तो फूट जाता, मतलब बंदा मर जाएगा यार। और लेवल 3 को फाड़ने वाली सिर्फ एक ही गन है, वो है AWM। तो AWM के बराबर है वैसे अगर देखा जाए क्रॉसबो अगर सही जगह पर लगता है। तो आज हम वही चैलेंज करने वाले हैं, बट अगर मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाता हूँ तो आपको लाइक करना होगा वीडियो को, ठीक है। अब फिलहाल मेरे को यहाँ पे उतरते क्रॉसबो मिल भी जाता है यार, मतलब किस्मत देखो। अभी बंदा जैसे पीछे वाले कमरे में आता है तो मैं सोचता हूँ पिक कर भैया पिक कर। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दो फट्टे से मारता हूँ, यहाँ से मतलब कट्टे से, मतलब कट्टा जो भी उसको बोलते हैं, तो मैं जानबूझ के मारता हूँ ताकि वो मेरे से पिक करे, बट वो पिक ही नहीं करता यार। उसको पता है इसके हाथ में क्रॉसबो है तो वो लंबा सा तो देख ही लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे नेट फेंकता हूँ सीधा उसके पीछे वाले कमरे में। तो यार वो बंदा बेचारा मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाता रह गया और मैंने उसको बम से मार दिया। अब फिलहाल चलते हैं यार उसके घर में, वहाँ पे बहुत सारे बंदे उतर रखे। तो सबसे पहले तो भैया अगर किसी को पता लग गया यहाँ पे मेरे हाथ में क्रॉसबो है तो वो तो भाई जान ले लेगा मेरी, मतलब ऐसे पीछे पड़ जाएंगे ना लौंडे जब उनको पता चलेगा क्रॉसबो इसके हाथ में। अब फिलहाल एक बोट आता तो इसको तो भाई मज़े लेके मारेंगे, और इसको तो फिलहाल पेल दिया है और देखते हैं इसके पास क्या है। अब उसी देख के घबराना नहीं यार, उसी मैंने जैसे अपना खुद का हौसला बढ़ाने के लिए रखी हुई है अपने पास, उसी का मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो उसी जस्ट ऐसे ही पड़ी हुई है। फिलहाल नीचे मेरे एक बंदा है और वो पैर पे पुश कर रहा है, तो देखते हो अब कैसे बजाते इसको। और फिर यहाँ पे पहले मैंने तो सोचा पुश कर देता हूँ लेकिन बाद में फट गई, बट मैंने फिर से सोचा है चलो भाई गेम एक्सप्रो हूँ मैं, कर ही दूंगा कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। और यहाँ पे देखो यार मतलब पेल दिया इसको भी बहुत इजीली, और यहाँ पे से इसके पास काफ़ी सही सा आइटम मिल जाता है, बट फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि हम सिर्फ क्रॉसबो यूज़ करने वाले हैं। तो अगर तो ये चैलेंज मैं पूरा कर लेता हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना होगा लाइक के साथ साथ। अब फिलहाल एक बंदा और पुश कर देता है, जब वो देखता है ना किल फीड में ये क्रॉसबो से पेल रहा है तो भाई साहब वो आ जाता है विक्टर लेके मेरे पेलने के लिए। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी था, यहाँ पर अगर मैं चूक जाता तो भाई साहब बजा देता वो, लेकिन सीधा हेड शॉट लगा यार। और ये वाला सीन एक बार स्लो मोशन में करके देखना, मतलब 0.25x की स्पीड पे। अब फिलहाल जो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले तो, और इस घर में एक बंदा है शायद। अब वो पीछे वाले माले में होता तो मैंने वहाँ पे ना मॉली फेंक दी, और वो वहाँ से भाग के बीच वाले माले में चला गया, तो मैंने वहाँ पे भी मॉली फेंक दी और उसके पास वो पक्का अब डैमेज हुआ होगा। तो जब तक वो अब हील करेगा जब तक तो मैं उस पर नेट फेंक दूंगा, तो अब देखो कैसे बजाते उसको। और यार इसी के साथ ये वाला बंदा भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखने से तो लग रहा भाई कितना इजी है ये चैलेंज, बस जाना है या तो क्रॉसबो से मार देना या तो नेट से मार देना, तो पेल देंगे बड़े आराम से। बट भाई साहब आगे जाके गेम पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अब पीछे वाले घर में भी एक बंदा था, हल्के से फुटस्टेप तो आए मेरे को, बट मेरे को थोड़ा सा ये वाला बिल्डिंग क्रॉस करना था। अब यार यहाँ से जैसे मैं आता हूँ तो मैं सबसे पहले उस पर एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो बीचों बीच रहता है। और यार यहाँ पे पता नहीं मैं कैसे चूक गया, बट हेड शॉट था यार, पक्का हेड शॉट था। बट कोई बात नहीं, एक मौका फिर से मिलेगा हमको, इस बार उसको पता है कि मैं यहाँ से पीक ले रहा हूँ। और यार ये कमाल होता है क्रॉसबो का, मतलब बंदे ने अगर पीक कर दी तो भाई फिर उसने कुछ भी क्यों ना पहना, अगर हेड शॉट लगा तो वो बंदा मरना तय है। अब फिलहाल यहाँ पर 6 किल हो चुके थे और भाई साहब बिल्कुल मज़े में चल रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई अब तो मज़ा ही आ जाएगा, 10-12 किल होंगे मस्त क्रॉसबो से, चिकन डिनर करेंगे हम कुछ भी करके। बट यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मैं एक हैकर की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और अचानक से वो हैकर निकलता है और उसके बाद देखना अब यहाँ पे मेरा क्या हाल होने वाला है। अब यार मैं इस पर हार्ड पीक इसलिए करके बैठा था कि मेरे पास क्रॉसबो था, मैं तो बस एक हेडशॉट कनेक्ट करना था, बट ये बंदा आया और पेल दिया। अब मुझे पहले लगा कि इसने मेरे को लेजिट पेला, बट बाद में जब मैंने देखा यार भाई साहब ये बंदा तो भैया हैकर निकला और ख़तरनाक, मतलब ख़तरनाक फ्लॉप हो गया यहाँ पे मैं। अब फिलहाल अगेन हम करने वाले हैं क्रॉसबो चैलेंज, और मैं जब तक करूँगा क्रॉसबो चैलेंज जब तक कि इसको मैं पूरा नहीं कर पाता, बहुत भीड़ आ रही है पोचिंग की। और इस बार हम करने वाले हैं क्रॉसबो चैलेंज फीट शॉटगन,
यानी कि हम साथ में एक शॉर्ट गन भी रखेंगे, बट जब तक मेरे को कोई गन नहीं मिलती तब तक तो मैं गन ही यूज़ करने वाला हूँ। देखो यार, इतना तो आपको पता है कि क्रॉसबो ना जाते ही नहीं मिलता, और जाते नहीं जब तक, अगर क्रॉसबो मिलेगा नहीं तो मैं क्या मर थोड़ी जाऊँगा वहाँ पे। तो जब तक मेरे को क्रॉसबो नहीं मिलता तब तक मैं ऑटो गन्स या कोई भी गन यूज़ कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट गन ही यूज़ करूँ। अब इस बंदे को मैं मार सकता था जो मेरे पीछे था, बट मैंने इसको नहीं मारा फिलहाल क्योंकि वो उछल रहा था। तो आप देखो इस वाले घर को कैसे पेलते, और ये वाले शॉटगन शॉट के लिए तो लाइक तो बनता है यार। मतलब एक बार फिर से स्लो मोशन में देखना, रिक्वेस्ट है। अब देखो सामने वाले को तो मैंने पेल दिया है ना। अब ये एक मेरे घर में था बट इसको मैं मार नहीं सकता था। अब मुझे डर सा लग रहा था भाई, ये गन सी तान रहा था मेरे पे, बट फिर भी मैंने विश्वास कर लिया। अब ये पता नहीं क्या मतलब पाँव में क्या कर रहा है मेरे, बट इसके कारण जो है मैं एक बोट को मारते मारते रह गया। बट कोई बात नहीं, उसको आगे जाके पेल देंगे। और बहुत ही ये वाला मैच मतलब एकदम बहुत खतरनाक मैच होने वाला है। अब फिलहाल जो है मेरे को क्रॉसबो ढूंढने के लिए सबसे पहले तो इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। और अब क्या करता हूँ मैं, सामने वाले घर में मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो जब मैं उसके घर में पुश करने जाता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ भाई मरना है कि नहीं, तो वो बोलते हैं नहीं मरना। तो मैं बोलता हूँ नीचे आ जा फिर, तो देखो वो नीचे आ गया। तो भाई बहुत ही ब्लाइंड विश्वास कर लिया, अगर कोई और होता तो पेल देता इसको। अब फिलहाल आ जाते यार ये वाली जगह पे, तो ये वाली जगह पे भी एक बंदा लेटा हुआ रहता, ऊपर रेंग रहा था कब से, तो पेल के आते उसको फिर शॉटगन से। और ये वाला सीन देख के तो भाई, अब जिन्होंने भी अब तक भी लाइक नहीं किया तो भाई नीला कर दो उस बटन को, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अब फिलहाल यहाँ पे क्या होता है ना कि अब देखो पूरी वॉचिंग की खाली हो गई, मेरे 4 किल हैं, ठीक है। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। अब यहाँ से अगर आपको गेम पसंद नहीं आया तो आप जा सकते हो, बट बहुत ही सही गेम होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉसबो कहीं नहीं मिलता पूरी पोचिंग की में। एक हमने चप्पा चप्पा छान मारा, मैंने इन सबको बोला कि भाई जो भी हो जाओ क्रॉसबो ढूंढो। और भाई मतलब देखो सिर्फ 22 बंदे अलाइव हैं, लगभग 15 मिनट लगे क्रॉसबो ढूंढने में। इस घर में जाके मिला क्रॉसबो, और इस बंदे ने ढूंढा जो कि मेरे साथ बैठा हुआ है। लेकिन अब आप सोचो कि यार अब तो सारे बंदे खत्म हो गए, 22 बंदे बचे, इसमें से क्या ही ये मारेगा। बट जाते जाते देखना इन 22 में से 80% बंदे मैं ही मारूंगा, वो भी शॉटगन और क्रॉसबो से। अब देखो मैं क्रॉसबो यहाँ पे मैं क्रॉसबो चैलेंज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं शॉटगन भी यूज़ करूँगा क्योंकि साथ में मतलब शॉटगन भी जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे जो है शॉटगन भी काम आने वाली है, तो मेनली मैं क्रॉसबो यूज़ करूँगा। बट जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो हालात ख़राब हो गए, तो वहाँ पे मेरे को जो है एमरजेंसी में शॉटगन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं उतार के यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे उतरो, मैं अब जाने वाला हूँ अपने चैलेंज पूरा करने। कुछ भी करके मुझे ये मैच जीतना है विद क्रॉसबो। और थोड़ी ही आगे जाने के बाद मुझे मिलती है ये वाली बगी, जिसको मैं पीछे करते करते बहुत दूर तक जाता हूँ। बट आगे जाके जो है ये वाली बगी पानी में समा जाती है। अब देखो यार ये वाली बगी तो चली गई पानी में। अब मैं देख रहा था कि इसका बंदा कब आएगा ऊपर, भाई मैं कब से गाड़ी इधर ही घुमा रहा था, बट वो बंदा जो है ऊपर ही नहीं आया। बट सडनली जैसे वो सांस लेने ऊपर आता तो देखो कैसे बजाते, बट इतने में तो वो नीचे चला गया। अब मैं वेट करने लगा, भाई कब से मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि कब ऊपर आएगा कब ऊपर आएगा। और सडनली वो कहाँ से ऊपर आता है जहाँ पे मैं खड़ा था, और पहला शॉट तो नहीं पड़ा पर दूसरे शॉट में फेल दिया इसको मैंने। और इसके पास से मुझे मिल जाता है 6-6, जो कि आगे जाके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ से जैसे मैं निकलता हूँ और आगे जाके मुझे एक बंदा मिलता है जो कि मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे को किल कर देता है। देखो आप, अब वो तो मैंने यहाँ पर गाड़ी बार बार बचा ली, बट ये बंदा बहुत गंदा वाला डैमेज देता है। अब पहला शॉट इसमें मैं क्रॉसबो से लेता हूँ, बट कहाँ लगने वाला था भाई हमसे, मतलब स्नाइपर का एक शॉट नहीं लगता तो क्रॉसबो तो वैसे भी बहुत धीमे ट्रैवल करता है हवा में। अब यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सा यार सीरियस था, इसलिए मैंने हाथ में शॉटगन उठा ली। और अब देखो कैसे बजाते इस बंदे को, तो मैं धीमे धीमे जाता हूँ, मुझे पता था वो ब्रोकन वॉल के पीछे हुआ वहाँ पे, तो एक नेट फेंकता हूँ यहाँ पे से। अब नेट तो वहीं पे फेंका मैंने जहाँ से मेरे को आवाज़ आ रही थी, बट वो पता नहीं क्यों नहीं मारा, बट बाद में उसकी आवाज़ आ जाती है मेरे को। अब देखो कैसे बजाते उसको, और भाई पेल दिया इस बंदे को भी। अगर गन होती ना तो शायद इसको मैं नहीं पेल पाता, बट यहाँ पे फिलहाल इसके पास से भी क्रॉसबो मिल गया मेरे को। और भाई यही जब दिक्कत होती ना, मैंने बताया था आपको जब जब कोई चैलेंज करो तो आपको वो गन स्पेसिफिकली कभी नहीं मिलेगी। हम मैंने क्रॉसबो चैलेंज किया और मुझे 15 मिनट लग गए पहला क्रॉसबो ढूंढने में। फिलहाल अब क्रॉसबो जब मिल चुका था, तो क्योंकि ये क्रॉसबो चैलेंज फीट शॉटगन है तो साथ में शॉटगन भी रखनी पड़ेगी, और मज़ा आएगा आपको ये चैलेंज देख के। अब यहाँ पे मैं अच्छा खासा जा रहा था, बट इस बंदे ने फायर करके मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया, और मैंने भी इसको कुचल दिया फिर गाड़ी से। अब थोड़ी सी और आगे जाते तो ये वाले आइलैंड पे आखिरी जोन बन जाता है। आखिरी जोन में बचे थे 12 बंदे, और 12 में से आधे से ज़्यादा लोंडो को तो मैं पेलने वाला हूँ, वो भी शॉटगन और क्रॉसबो से।
अब ये भाई क्या ही बताऊँ मैं इसको, बस अंधी पेल रहा था ये भी मेरी गाड़ी पे, और देखो पूरी की पूरी गाड़ी इसने ब्लास्ट कर दी, और पता नहीं शॉटगन के सारे शेल्स इसके हेलमेट पे कैसे लग गए, जबकि वैसे तो इसकी थोड़ी सी भी डैमेज नहीं है। अब क्या लगता है आपको मुझे को बताना कमेंट के अंदर कि क्या मैं शॉटगन और क्रोसबो से सिर्फ जीत पाऊंगा ये मैच, वो भी ऐसे ऐसे बंदों के खिलाफ जिनके पास ग्रोजा AWM M249 सब कुछ है भाई। अब देखना आप यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर आता तो मैं सोच रहा था यहाँ पर रुक जाऊँगा, बट इतने पर बंदा दिखता है, और ये शॉट देखना अब आप। फिनिश, मतलब लेवल 3 था यार उस बंदे के पास, फाड़ दिया पूरा का पूरा लेवल 3, और पता भी नहीं चलता मतलब क्रोसबो से अगर आप किसी को मारो तो पता भी नहीं चलता कि भाई मरा होगा ये बंदा, बस ऐसा एकदम हल्का सा फील आता है बस। अब यार फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी फाइट हो रही थी सामने वाले घर में, तो मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पर। ये भाई साहब देखते हैं, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर रुक के इसको पेल दूंगा, बट ये बंदा जो अपनी बगी लेके भाग जाता है। आपको तो पता ही है जो क्रोसबो है वो बहुत स्लो ट्रैवल करता है हवा में, तो नहीं मार सकते चलती गाड़ी से, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जैसे मैं निकलने लगता हूँ तो एक और गाड़ी आती है मेरे पीछे से, और इस वाले गाड़ी वाले के पास थी ग्रोजा। अब देखना आप क्या सीन बनता है यहाँ पे। मतलब इस बंदे के पास ग्रोजा थी, जैसे उतरा भाई सीधा शॉट कनेक्ट कर दिया मैंने और पिल गया है बंदा। मतलब कोई सोच सकता है ग्रोजा को अगर कोई गन मार सकती है तो वो है एक गन, उसका नाम है शॉटगन। फिलहाल जो निकल लेते हैं यार यहाँ से। अब देखो सामने वाले जो वहाँ पे थे मतलब वो जो पेट्रोल पंप है, तो मैंने सोचा तो वहाँ पे रुक जाऊँगा क्योंकि वो एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं चारों तरफ से कवर रह सकता हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार नहीं, वहाँ पे भी मुझे एक बंदा दिखा था जो कि किसी दूसरे को मार रहा था, तो वहाँ पे जाऊँगा तो वो मेरे को मार सकता है, तो मैं गाड़ी जो है चारों तरफ घुमाने लग जाता हूँ, और इस घुमाने के चक्कर में मेरे काफ़ी बंदे मैं अपनी बगी के नीचे कुचल देता हूँ। अब आप देखना, एंड मेन मुसीबत यहाँ पे होने वाली है आगे जाके। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि फाइनली यार जो भी होगा तो हम चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे, बट एक और बंदा दिखता है इसको भी कुचल देते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पे एक बगी वाला था जिसने ऑलरेडी यहाँ पे एक दो बंदों को पेला था, तो मैं आ जाता हूँ फाइनली उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे, तो देखो आप और ख़त्म। मतलब भाई साहब शॉटगन क्या ही चीज़ है यार, मतलब फिलहाल जो है क्रोसबो भी यूज़ करूँगा मैं, बट जहाँ पे क्रोसबो की ज़रूरत होगी। फिलहाल यहाँ पे एक बगी आता है जिसमें दो बंदे थे, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये दो बंदे वही थे जो पोचिंग की वाले थे, और वाकई ये वही वाले होते हैं क्योंकि ये उछलने लग जाते हैं। अब फिलहाल बचे थे चार बंदे जिसमें से तीन तो हम ही थे, मतलब एक बंदा बचा हुआ था, और वो बंदा उस तरफ से AWM फायर कर रहा था। अब मुझे यहाँ से वो दिख जाता है क्योंकि वो AWM पेल रहा था इन लॉन्डो पे, सप्रेसर AWM, तो यहाँ से देखो इतनी दूर से तो मैं क्रोसबो से पेल नहीं पाऊंगा उसको, बहुत स्लो ट्रैवल करता है, उतनी दूर तक तो वो पहुँच भी नहीं पाएगा, ज़मीन से टक्कर खा जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई मैं जाऊँगा उसको क्रोसबो से पेलने, और पेल दूंगा उसको, कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर उसके पास Level 3 हेलमेट ग्रोजा AWM यह सब कुछ गिली सूट ये है तो पेल देंगे उसको, कोई बात नहीं। मैं बहुत ही कमज़ोर समझ के जा रहा था उस पर, लेकिन उसने मुझे दिला दिया भाई, मुझे उसने बोला कि भाई इस तरफ मत आ जाना, तेरी बगी के पर खच्चे उड़ा दूंगा मैं, तो मैं समझ गया भाई नहीं ऐसे नहीं जाने का इतनी ओपन में, और वो तो भाई वहाँ तक जाते जाते बगी के चार टायरों को अलग कर देगा, तो इससे अच्छा भाई यहाँ से क्रोसबो का शॉट पे लेंगे। लेकिन क्रोसबो तो भाई पिचकारी की तरह निकला, मतलब ये तो थोड़ी आगे जाके नीचे ज़मीन के पास लग गया, और मुझे नहीं लग रहा कि इतनी दूर ये मार भी पाएगा क्रोसबो, तो अब क्या करेंगे भाई। मैंने यहाँ पर डिसीजन ले लिया था, कुछ भी करना हो भाई इन लोगों को बचाऊँगा मैं उस बंदे से, इन लोगों को चिकन डिनर दिलवाऊँगा जिसके लिए मुझे उस बंदे के साथ फाइट करनी पड़ेगी ओबियसली, तो मैं चला जाता हूँ यार उस बंदे के साथ फाइट करने। अब देखो और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये वाले मैच की, बट जो कि मैंने सही गलती कर दी, मतलब गलती तो नहीं थी ओबियसली, फेल दिया और आपको लगा कि शायद यहाँ पे मैं मर जाता, बट ऐसा नहीं यार तुम्हारे भाई मैं दम है अभी भी, तो शॉटगन जिंदाबाद अपना क्रोसबो जिंदाबाद, शॉटगन चैलेंज क्रोसबो चैलेंज फीट शॉटगन दादी। तो यहाँ पे फिलहाल अब यही दो बंदे बचे थे, ठीक है, तो अब मैंने इनको क्या बोला, भाई जाओ तेरे पास AWM है तू सामने वाले पेड़ पे जा, मेरे पास क्रोसबो तो फाइट करते दोनों रियल वाली फाइट, ठीक है। अब देखो कैसे पेलते इस बंदे को, तो कर पीक भैया, और अगर मैंने इसको मार दिया ना क्रोसबो से तो भाई मतलब सब्सक्राइब बनता है भाई, वो काला बटन हो जाना चाहिए बस, मतलब लाल नहीं रहना चाहिए, मुझे लाल रंग से बहुत नफरत है। ये शॉट देख के भाई मतलब जिस बंदे ने लाइक का बटन दबाया ना भाई, आप भाई छोड़ दो भाई, आप चले जाओ ये वीडियो देख के। अब फिलहाल जब वो वाला सीन देखना आप स्लो मोशन में, भाई सीधा पिक किया और फेंक दिया मैंने उसको, वो भी उसके पास जबकि AWM थी। अब फिलहाल इस बंदे को मैंने बोला तो उसकी AWM ले ले, और जैसे मैं शॉटगन फायर करूँगा तो हम फाइट करने लग जाएंगे शुरू, मतलब रियल वाली फाइट।
बट ये बंदा थोड़ा सा शाना निकला, क्योंकि भाई ये इसको पता था कि पीक करूंगा तो उसके पास क्रॉस बो है भाई, कुछ भी होगा फेल दिया जाएगा। अब वो मुझे भी पता था कि उसके पास AWM है भाई, सेम ही चीज़ है भाई, बट AWM थोड़ी सी पावरफुल होती है यहाँ पे क्रॉस बो से। भैया मैं बहुत कोशिश कर रहा था उसको भाई मारने की, बट वो तो पिक करने से रहा, बट फाइनली यहाँ पर मैंने उसको एक शॉट दिया और ये पड़ा उसका एक बॉडी, बॉडी पड़ा, आई मीन वो पक्का जाके हील करेगा। मेरे पास थी एक मौली, मैंने फेंक दी, बट पता चला कि भाई ये तो हाई टॉस पे है ही नहीं, तो मैंने हाई टॉस भी किया, जब तक फेंकी जब तक तो उसने हील कर लिया था। अब वो भागने लगा, अब देखो उस पर क्या ही पत्थर मारते हम एकदम, देखो अब यहाँ पे मैंने ईंटें पेल पेल के ईंट की तरह चुटाए भाई पत्थर में, अब देखो क्या ही पेलता उसको, पत्थर ही पत्थर से। और इनमें से एक पत्थर लगता भाई सीधा जाके उसके सर पे, और सर सीधा दो फाड़। और फाइनली यार इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया ये वाला चैलेंज, आई मीन क्रॉसबो ओनली चैलेंज, मतलब क्रॉसबो ओनली नहीं था ये, थोड़ा थोड़ा मिक्स टाइप का था कि क्रॉसबो ओनली फीट शॉटगन, तो यही टाइटल भी होगा। तो वो यार आपको ये गेम प्ले सही लगा होगा, और हाँ मैंने ये चैलेंज पूरा भी किया, आपको देखने में लगा होगा कि बस मैंने एक बार खेला और ये चैलेंज पूरा कर दिया, बट इस चैलेंज को करने के लिए यार बहुत सारी गेम खेलनी पड़े मेरे को, और बहुत सारी गेम में तो मैं मरा भी हूँ जिसके कारण भाई बहुत स्टैट्स खराब भी हुए, बट फाइनली जाके मैंने रात को ये चैलेंज कर ही लिया। तो यार आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अगर तो आपको ये सही लगा और आपने इन्जॉय किया हो, ये कुछ नया देखने को मिला हो, तो भाई लाइक करना, और ओब्वियसली तुम्हारे भाई को अगर आप सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब भी करना, वो लाल बटन नहीं रहना चाहिए, बस वीडियो देखो भैया बट लाल बटन को लाल मत रहने दो, काला कर दो बस। एंड इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी सीक्रेट बातें पेलता हूँ, मतलब आई मीन आपके साथ साझा करता हूँ, तो जाओ भैया वहाँ पे जाके बहुत सारी सीक्रेट बातें मेरी जानो, पेलो उन बातों को, और भाई फॉलो कर लो बस अपने भाई को इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे जो फॉलो का बटन है ना उसको जब आप फॉलो दबाओगे तो वो फॉलो नहीं हो रहा, तो जाके चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।